एक ऑफिस में दो लोग इंटरव्यू पर आए। दोनों एक दूसरे को ऑफिस के मेन गेट पर टकरा गए और साथ ही ऊपर आए तो दोनों बात कर रहे थे कि भाई तुम भी इंटरव्यू पर आए हो। तो सामने वाले ने जवाब दिया, हाँ भाई मैं यहाँ से इंटरव्यू दूंगा और फिर एक दो काम है मैं वो करने निकल जाऊंगा। तो वो दोनों रिज्यूमे देकर वहां बैठ गए। अब कंपनी में रिज्यूमे दिए आधा घंटा हो गया पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। बैठे बैठे एक घंटा भी बीत गया तो जिसे जाना था उसने रिसेप्शन पर पूछा कि और कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा कि आप बैठ जाइए, आपको बुला लेंगे। अब उसे बैठे बैठे जैसे ही आधा घंटा और बीता उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि क्या मजाक है और आपने क्या सोचा हुआ है, आपने बुला लिया हमें बाकी भी तो काम होते हैं। तो उसके चिल्लाने से कंपनी के बाकी लोग भी बाहर आ गए, उसे अजीब तरह से देख रहे थे। तो वो जो दूसरे वाला लड़का उसको मेन गेट पर टकराया था उसने उसकी तरफ देखा तो वो आराम से बैठा हुआ था। तो ये बंदा उस पर भी चिल्लाने लगा कि तू इतने आराम से क्यों बैठा है, तेरे सामने इतनी देर हो गई है। उस बंदे ने बड़े आराम से इसका जवाब दिया कि कंपनी देर नहीं कर रही, तुझे जल्दी है, तू घर से ही सोचकर आया था कि इतना टाइम लगेगा और इतने टाइम में फ्री होकर बाकी काम करने निकल जाऊंगा। तो जब तेरी उम्मीद के बराबर चीजें नहीं हुई तो तुझे तेरी उम्मीद ने हर्ट किया जिससे तुझे तकलीफ हुई और अब तेरे इसी बिहेवियर की वजह से कंपनी के सामने तेरी बैड इमेज बन गई है। तो दोस्तों इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने आप को शांत रखना, सिचुएशन को अपने हिसाब से डिसाइड ना करके सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना, यही क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। और यार अपना एक एटीट्यूड, अपना एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर रखा करो। मतलब ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वो जो आपको हमेशा नीचा दिखा रहा है या जो आपको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर रहा है आप उसके सामने प्लीज प्लीज के गुणगान कर रहे हो। वो होते हैं ना कई लोग जो कहते हैं कि प्लीज मेरी लाइफ में रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, या प्लीज मेरी हेल्प कर दो, या प्लीज कुछ समझो। ये सब चीजें सिर्फ उसके सामने करो जो आपको लेकर अपनी लाइफ में सीरियस हो, मतलब जिसे आपके होने या ना होने से काफी फर्क पड़ता हो। बाकी लोग तो सिर्फ दिखाने के लिए साथ होते हैं और जो भी सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ है उसके सामने झुकने से तो अच्छा है कि अपनी लाइफ अकेले जी जाए। और यार अपने आप को कभी भी किसी भी चीज में पीछे मत रखा करो। मतलब कई लोगों को ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता या मुझ में कमी है तो वो लोग बाकी लोगों से मिलते ही नहीं, ना तो किसी अच्छी जगह पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ना ही किसी से खुलकर बात कर पाते हैं। जबकि आपकी असली पर्सनैलिटी सिर्फ बाहर का दिखावा नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी आपकी हर एक चीज पर डिपेंड करती है। जैसे आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपका सिचुएशन के हिसाब से ढलना और आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर एक चीज डिफाइन करती है कि असल में आप कैसे हो। बाहर से तो हम सबके दो आंखें हाथ पैर है पर अंदर से सब एक जैसे नहीं होते। आपका नेचर डिफाइन करता है आपको पूरी तरह। तो जितना हो सके मिला करो लोगों से, उन्हें सुना करो, हर एक जगह पार्टिसिपेट किया करो, ऐसा कुछ किया करो जहां से आपको अपना डर खोलने में मदद मिले। रेगुलर जब अपने आप से ऐसी चीजों से रूबरू होते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। और हाँ ये बात सच है कि आपको साफ सुथरे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। आपके कपड़े, आपका हेयर स्टाइल, ये सामने वाले को आपकी एक छवि दिखाता है। मतलब आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप दिखते अच्छा हो, पर आपके बोलने का ढंग बिल्कुल अकड़ वाला है। आप लोगों की जरा सी भी इज्जत नहीं समझ रहे, चिल्ला चिल्ला कर हंस रहे हो, चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे हो, तो ये चीज आपको कभी भी एक अच्छे इंसान में नहीं गिनवाएगी। आपकी ड्रेस देखकर, आपको देखकर लोग इंप्रेस होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर इसके साथ साथ आपको अपने आप को अंदर से भी खूबसूरत बनाना होता है। जैसे एक लाइन है, चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, दुपट्टा शख्सियत को चार चांद लगा देता है। तो कहीं ना कहीं ये बात हम सब पर लागू होती है कि हम सब पढ़े लिखे हैं, हमें कम से कम अपने कपड़ों की नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि हम ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या पहने और किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो क्या पहने। आपकी यही समझ आपको लोगों के साथ घुलने मिलने में मदद करेगी, आपके साथ लोगों को अपनापन महसूस होने लगेगा और फिर आपको अपनी लाइफ पहले से बेहतर लगने लगेगी। तो दोस्तों आई होप आप इन बातों को खुद पर अप्लाई करोगे, आपको ये बातें पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। इसके साथ ही आपको मुझसे कुछ बात करनी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए ताकि हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।